तो ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही हॉस्पिटल भागने की जरूरत है। हॉस्पिटल आपको कब जाना है मैं बताती हूँ। प्रेगनेंसी का सातवां महीना यानी कि प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर, अंतिम तिमाही, मतलब 7 मंथ से ही आपकी तीसरी तिमाही लग जाती है। इस समय क्या होता है, आपके बच्चे का जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा होता है। इस टाइम पे आपका बच्चा बहुत तेजी से मूवमेंट भी करने लग जाता है, मतलब बच्चे की जो हलचल बहुत अच्छी फील होती है आपको इस समय। साथ ही साथ बच्चा इस समय अपनी नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आना भी शुरू कर देता है, यानी कि अपना सर नीचे करना शुरू कर देता है। और इस महीने तक सभी महिलाओं का जो पेट है वो क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से नजर आने लगता है। काफी बड़ा पेट आपका इस समय तक हो जाता है क्योंकि बच्चे ने भी अच्छा खासा इस टाइम पे ग्रो कर लिया है। अब जब पेट बढ़ेगा तो आपको काफी सारी फिजिकल प्रॉब्लम भी होंगी, उठने बैठने में, चलने में, कोई भी काम करने में काफी सारी दिक्कतें होंगी, आपका कमर दर्द भी इस समय बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी सातवें महीने में कुछ ऐसे 7 काम जो आपको करने से बचना है, जिससे कि एक तो आप प्रीमैच्योर डिलीवरी से बच सकोगे, साथ ही साथ आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से होगी और हर तरीके की प्रॉब्लम से आप आगे बचे रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत सी महिलाएं गलती से इसी महीने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिस वजह से उनकी एक तो समय से पहले डिलीवरी हो जाती है और अच्छी खासी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में बदल जाती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने ये 7 बातें इस वीडियो में बताई है उनको कम्प्लीटली जरूर अच्छे तरीके से सुनिएगा और उनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशु, आप सभी के साथ, आप देख रहे हो रेशु ब्लॉग यूट्यूब चैनल और आप सभी का तहे दिल से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज है, 7वां महीना जैसी महिलाओं का लगता है तो इस समय उनका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चा भी तैयारी कर रहा है अपना सर नीचे करने की। तो इस टाइम पे आपको ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन यानी कि संकुचन, जिन्हें फॉल्स लेबर पेन भी बोला जाता है, वो आपको हो सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपको पेट में अचानक से मरोड़ होगी, पेट आपका टाइट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पेट के निचले हिस्से में भी आपको दर्द होगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही थोड़े टाइम बाद सही हो जाते हैं। अगर आप अपनी पोजिशन चेंज कर लेते हो, आप लेटे हुए हो तो खड़े हो जाते हो, वॉकिंग करने लग जाते हो, पानी पी लेते हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, फिर कई घंटे तक आपको फील नहीं होते हैं। तो ये इंडिकेशन होता है आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होना शुरू हो गया है। तो ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही हॉस्पिटल भागने की जरूरत है। हॉस्पिटल आपको कब जाना है मैं बताती हूँ। अगर 7 महीने में आपको लगे कि ये जो पेन है वो बहुत तेजी से आपको आ रहा है, साथ में कमर में दर्द हो रहा है और ये पेन बढ़ते ही जा रहे हैं आपको, साथ में ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या वाटर लीकेज हो रहा है, तो फिर तुरंत हॉस्पिटल जाइए, फिर आपको देर नहीं करना। सेकंड चीज है, इस टाइम पे आपका डिस्चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, आप देखोगे वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होगा। ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ खिसक रहा है, इसलिए डिस्चार्ज बढ़ेगा। लेकिन आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें स्मेल आ रही है, उसका रंग रेड या ब्राउन है या ग्रीन कलर का है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, फिर चिंता वाली बात है। बाकी नॉर्मल व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, कोई स्मेल वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है, आपके ब्रेस्ट से क्या होगा, रिसाव होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे पानी की तरह चिपचिपा सा पदार्थ आपके ब्रेस्ट से निकलेगा, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रेस्ट फीड के लिए आपके ब्रेस्ट वर्क पूरे तरीके से तैयार होना शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें भी आप घबराएं बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको क्या होगा, इस टाइम पे सूजन बढ़ेगी क्योंकि आपका वजन बढ़ चुका है, आपका पेट काफी हैवी हो चुका है। तो ऐसे में अगर आपको लगे कि आपकी हथेलियों पर सूजन है, आपके फेस पर सूजन है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। बाकी पैरों पर थोड़ी थोड़ी सूजन आना बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस टाइम जैसे कि आपका पेट काफी बढ़ गया है, बच्चे का साइज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको पीठ के बल सोना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि पूरे गर्भाशय का जो प्रेशर है, आपके बच्चे का जो प्रेशर है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ेगा, साथ ही बड़ी नस पर भी पड़ेगा, जिससे कि एक तो प्रेशर पड़ने से रीढ़ की हड्डी पर आपका कमर दर्द ज्यादा होगा, बच्चे को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ब्लड फ्लो में भी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए पीठ के बल सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बाएं तरफ करके सोइए, थोड़ा बहुत राइट साइड भी आप सो सकते हो, मतलब टोटली करवट लेकर ही आपको सोना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इस टाइम पे आगे की तरफ नहीं झुकना है, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आगे की तरफ ना झुकें, क्योंकि पेट काफी बड़ा हुआ है। अगर आप आगे की तरफ झुकते हो तो पेट पर प्रेशर पड़ेगा, ऐसे में पानी की थैली भी फट सकती है, समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। तो आगे झुककर कोई भी काम ना करें। आपको लगता है कि इस काम को करने से मेरा पेट एकदम से दब रहा है, तो उस काम को बंद करें या कंफर्टेबल पोजीशन में उस काम को करें। उठते बैठते भी हैं तो पोजीशन पर ध्यान दें, जिससे कि पेट पर दबाव ना पड़े। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपने खाने पीने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। यही वो समय है जब आपको अपने खाने पीने पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि आपके बच्चे का वजन सही तरीके से बढ़ना है इस टाइम पे, तभी तो जाके नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। अगर आपने डाइट में किसी भी तरीके की लापरवाही की तो आपका शरीर कमजोर रह जाएगा, बच्चे का वजन सही नहीं बढ़ेगा, जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी, है ना, और साथ में प्री मैच्योर डिलीवरी का भी खतरा बना रहेगा। इसीलिए एक प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए। अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर सारी चीजें इंक्लूड कीजिए। आप ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए अपनी डाइट में। इन सारी चीजों से आपको सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बच्चे का वजन सही बढ़ेगा, आपका शरीर मजबूत बनेगा और नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी और प्री मैच्योर डिलीवरी के खतरे से आप बचे रहो। आई होप फ्रेंड्स ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इन बातों का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखोगे। तो मिलती हूँ आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक ऐसे मुस्कुराते रहिए और मुझसे डेली मिलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, तभी आने वाली वीडियो का आपको पता चलेगा। तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर